आपको बता दें, सूर्यकांत धस्माना ने स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में लिखा, बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अस्पतालों में उचित व्यवस्था मुहैया कराई जाए, जल्द स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को लेकर राज्यपाल से मिलेंगे धस्माना। उनको ज्ञापन सौंपा है, उनसे मैंने मांग करी है कि राज्य में कम से कम 1 लाख क्षमता का इंतजाम होना चाहिए। अगर 1 लाख मरीज भी आ जाए तो यहाँ पर उसके लिए व्यवस्था ऑक्सीजन की होनी चाहिए, आईसीयू की होनी चाहिए, वेंटिलेटर की होनी चाहिए, इस व्यवस्था को करें। मैंने उनको ज्ञापन दिया है, उनसे लंबी वार्ता करी है और वो सहमत है इस बात से कि राज्य में अभी व्यवस्थाएँ जो हैं वो और चार चौबंद होनी चाहिए, वो नहीं है। सर, तो प्रीतम सिंह जी आ जाए 11 तारीख को, 12 तारीख को हमारा धरना है, हम लोग राज्यपाल से समय मांग रहे हैं, महामहिम राज्यपाल से हमने समय मांगा है, हम बार बार समय मांगते हैं, महेश नेगी के मामले में समय मांगा तो राज्यपाल ने समय नहीं दिया, इस कोरोना के बारे में 2 बार समय मांग चुके हैं, समय नहीं दिया, लेकिन अब तो राज्य की सरकार को समय देना चाहिए। अब नहीं देंगे तो हम बैठेंगे भैया कहीं भूख हड़ताल में बैठेंगे, कहीं अनशन में बैठेंगे, और लोकतंत्र में रास्ता क्या? तो कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का बयान आप सुन रहे थे। सूर्यकांत धस्माना ने स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में लिखा गया है कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अस्पतालों में उचित व्यवस्था मुहैया कराई जाए, जल्द स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को लेकर राज्यपाल से मिलेंगे। धस्माना ने कहा, इससे पहले भी विधायक के मामले को लेकर बातचीत नहीं सुनी राज्यपाल ने, मौका नहीं दिया, समय नहीं दिया, और अब जिस तरीके से कोरोना महामारी लगातार बढ़ती जा रही है, इसके साथ ही आपको बता दें जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं यहां बदहाल दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस पार्टी का सीधे तौर पर आरोप है कि जल्द ही अगर स्वास्थ्य सेवाएं यहां पर नहीं सही की गई तो कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए एक विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है, और अगर राज्यपाल इस मौके पर भी बातचीत करने के लिए समय नहीं देंगी तो हम लोग धरने पर बैठेंगे, सीधे तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। तो सूर्यकांत धस्माना का ये बयान आप लगातार सुन रहे थे। कोरोना महामारी की जिस तरीके से बढ़ती जा रही है और स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बदहाल है, उसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया है और सीधे तौर पर राज्यपाल से मुलाकात करने की बात कही गई है। उत्तराखंड में 28,000 के पार कोरोना के मामले पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड में संक्रमितों की संख्या 28,226 हो गई है। उत्तराखंड में अब तक 18,783 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना के एक्टिव मरीज 8,955 हैं। उत्तराखंड में कोरोना से अब तक 377 मरीजों की मौत हुई है। उत्तराखंड में कोरोना के 1,015 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। तो कोरोना के केसेस में लगातार उत्तराखंड में इजाफा हो रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तमाम बड़े सवाल हैं। तो उत्तराखंड में 28,000 के पार कोरोना के मामले, उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 28,226 हो गई है। तो कोरोना के एक्टिव मामले 8,000 से ऊपर हैं, 377 मरीजों की मौत अभी तक कोरोना से हो चुकी है, 1,015 नए मरीजों की पुष्टि हुई है।
पौड़ी में आम आदमी पार्टी ने अपना जनाधार बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिससे दिल्ली की तरह उत्तराखंड में भी 2022 का विधानसभा चुनावी रण जीता जा सके। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने लोगों के बीच में उतरकर अब पार्टी के नए सदस्य जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी की माने तो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए उत्तराखंड के 10,800 बूथों में से 7,500 बूथों पर अपनी पकड़ बना ली है और इन सभी बूथों से कई सदस्य आम आदमी पार्टी में शामिल करवाए गए हैं। पौड़ी के पुराने जिला पंचायत भवन में आज आम आदमी पार्टी के गढ़वाल लोकसभा प्रभारी की अध्यक्षता में 150 लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। पौड़ी में एक बड़े स्तंभ पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे और हमेशा गरीबों की आवाज़ उठाने वाले मनोहर लाल पहाड़ी जी ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। ये कार्यक्रम पूर्व से निर्धारित था, इसलिए जो है कि इस कार्यक्रम को नहीं टाल पाए, लेकिन हमारा भी जो लक्ष्य है 10,872 बूथ पूरे उत्तराखंड में है, जिसमें से हम 7,500 बूथों पर जो है पहुँच चुके हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं को बना चुके हैं। और निश्चित रूप से अगर जनता में बड़ी ताकत होती है, जनता ने अगर 20 सालों के राज को देख करके एक बार दिल्ली के 5 साल के राज को देखा है, यहाँ से रिश्तेदार रहते लोगों के पूछ रहे हैं, अधिकतर लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में अच्छा काम हुआ और हमारा जो सपना है वो इस देवभूमि को, आदरणीय केजरीवाल जी ने कहा है कि आप एक बार उत्तराखंड में सरकार बनाइए, इस उत्तराखंड को, इस देवभूमि को पूरे भारत में हम जो है देवभूमि मॉडल के तर्ज पर ले जाने के लिए संकल्पबद्ध है। पौड़ी में एक बड़े स्तंभ पूर्व जिला पंचायत सदस्य, आम आदमी पार्टी का जो विजन है वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैं दिल्ली जाता हूँ, वहाँ मैंने देखा कि वहाँ बहुत बढ़िया तरीके से काम हो रहा है और उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों पे आज 4 साल बीत जाने के बाद भी कोई एक पैसे का काम नहीं हुआ। लोगों को जो है हिंदू मुस्लिम के नाम से लड़ाया जा रहा है, छोटी जाति बड़ी जाति के नाम से लड़ाया जा रहा है और आम आदमी पार्टी का विजन है कि हम जो है जनता की सेवा करेंगे, जो जनता का काम करे, जनता के लिए काम करे, इसलिए मैं आम आदमी पार्टी में आज शामिल हुआ हूँ और मुझे इस बात में बड़ा गर्व महसूस होता है, बड़ी खुशी महसूस होती है कि आज से मैं आम आदमी पार्टी परिवार का सदस्य बना हूँ, माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में। मुकेश सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मुकेश, आम आदमी पार्टी अपना लगातार जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, दिल्ली के तर्ज पर अब आम आदमी पार्टी पहाड़ों में भी अपना रुख तय कर चुकी है कि 17 की 17 सीटों में अपना चुनाव लड़ने जा रही है, जिसके लिए उन्होंने सदस्य अभियान जारी कर दिया। आज जिला मुख्यालय पौड़ी में सदस्य अभियान चलाए थे, जिसमें कई जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे, क्षेत्र पंचायत सदस्य थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। जी चलिए, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया मुकेश। खबर देहरादून से, जहां दीपक जोशी के खिलाफ में चल रही जांच के विरोध में प्रदर्शन किया गया। जांच के विरोध में कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सचिवालय में कर्मचारियों ने अध्यक्ष दीपक जोशी के नेतृत्व में किया धरना प्रदर्शन। अपर मुख्य सचिव प्रशासन के कार्यालय के बाहर धरना दिया गया। सचिवालय संघ ने सरकार से अपर सचिव गृह की जांच को वापस लेने की मांग की। सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी का बयान है कि शासन ने जो आरोप लगाए हैं उसका 4 सितंबर को जवाब दिया जा चुका है। सचिवालय संघ ने अपना जवाब मुख्य सचिव ओम प्रकाश को भेज दिया है। सचिवालय संघ और उत्तराखंड जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन अध्यक्ष हैं दीपक जोशी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सरकार द्वारा कर्मचारी संगठनों के अस्तित्व पर जो कुठाराघात किया गया है और सचिवालय जैसी शीर्षस्थ कार्यालय इकाई के पदाधिकारियों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसके विरोध स्वरूप आज ये धरना कार्यक्रम लगा है, जिसमें सचिवालय संघ और सचिवालय के सभी संवर्गीय संघों के पदाधिकारी यहाँ बैठ रहे हैं और निश्चित रूप से सरकार के इस उत्पीड़न के खिलाफ लामबंद हैं और यदि यही स्थिति रही और इस स्थिति में अगर अपेक्षित निर्णय नहीं लिया गया तो निश्चित रूप से सचिवालय में जो आंदोलन है वो उग्रता की ओर जाएगा और कहीं ना कहीं सचिवालय बंद और अन्य विकल्पों पर भी सचिवालय संघ विचार करेगा। खबर देहरादून से, जहां गोविंद बल्लभ पंत को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्रद्धांजलि दी। जयंती के अवसर पर चित्र पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। भारतीय राजनीति में गोविंद बल्लभ पंत का अहम योगदान है, स्वतंत्रता संग्राम में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ तौर पर कहा।
पंडित गोविंद बल्लभ पंत के 133वें जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित। स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल सहित कई गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। लोगों ने पंडित जी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनका भावपूर्ण स्मरण किया। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत के 133वीं जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल सहित कई गणमान्य मौजूद थे। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत प्रतिभाओं का देश है और इस देश में महान लोगों ने जन्म लिया। उन्होंने कहा कि गोविंद बल्लभ पंत भारत के पूर्व प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, वरिष्ठ भारतीय राजनेता, महान देशभक्त, कुशल प्रशासक, सफल वक्ता, तर्क के धनी और उदार मना थे। यही वो व्यक्ति हैं जिनको उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री के अलावा पंत भारत के चौथे गृह मंत्री भी रह चुके हैं। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 133वीं जयंती कोविड-19 संक्रमण के चलते सरोवर नगरी के पंत पार्क में पूर्ण सादगी से मनाई गई। पंत पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आईजी अजय रौतेला सहित अपर आयुक्त संजय हेतवाल और एसएसपी राजीव मोहन, एसडीएम विनोद कुमार समेत कई प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ वंदे मातरम गीत के साथ किया गया। कार्यक्रम में ईश्वर बहुगुणा को उत्कृष्ट कार्य के लिए शॉल उड़ाकर और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। खबर पौड़ी से, जहां घोर की पछयाड़ नोनी को नो कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपने विधानसभा में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। घरों में बेटी के नाम पर प्लेट लगवाई। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत घोर की पछयाड़ नोनी को नो कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने अपनी विधानसभा में इस कार्यक्रम की शुरुआत की। ओर से घरों में बेटी के नाम से नेम प्लेट लगवाया। जिला प्रशासन की पहल पर इस कार्यक्रम का आगाज किया गया और इसका मतलब है घर की पहचान बालिका के नाम की योजना की प्रशंसा करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से समाज में महिलाओं बालिकाओं को और अधिक सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान घरों में बेटियों के नाम से नेम प्लेट लगाई गई। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार महिला उत्थान को लेकर गंभीर है। सरकार हर स्तर पर बेहतरीन कार्य कर रही है। प्रशासन के द्वारा और विशेषकर हमारे जो यहाँ के मुख्य विकास अधिकारी उनकी पहल पे जो हमारा खिरसू बिलोक का एक बहुत खूबसूरत गांव है बुद्धिसो, उसको आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत इसको गोद लिया गया इस गांव को। और घोर की पछाण बालिका के नाम से एक अभियान चलाया गया है और मैं जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों को बधाई दे रहा हूँ। ये अभियान बहुत अच्छा अभियान है और इससे पूरे देश में एक मैसेज आएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत हम प्रत्येक गांव में क्या क्या अच्छा काम कर सकते हैं। थोड़ी जिला प्रशासन के द्वारा और विशेषकर हमारे जो यहाँ के मुख्य विकास अधिकारी उनकी पहल पे जो हमारा खिरसू बिलोक का एक बहुत खूबसूरत गांव है बुद्धिसो, उसको आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत इसको गोद लिया गया इस गाँव को। और घोर की पछाण बालिका के नाम से एक अभियान चलाया गया है और मैं जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों को बधाई दे रहा हूँ। ये अभियान बहुत अच्छा अभियान है और इससे पूरे देश में एक मैसेज आएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत हम प्रत्येक गांव में क्या क्या अच्छा काम कर सकते हैं। थोड़ी जिला प्रशासन के द्वारा और विशेषकर हमारे जो यहाँ के मुख्य विकास। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पूरी 70 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है, जिसमें उत्तराखंड की जनता भी आम आदमी पार्टी को तीसरे विकल्प के रूप में देख रही है। लेकिन कोटद्वार से आम आदमी पार्टी के जिला प्रभारी डीआईजी बलराम सिंह नेगी अपने विवादित बयानों से पार्टी की लुटिया डुबोने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। प्रभारी बलराम सिंह नेगी देश के लोकतंत्र पर सवाल या निशान खड़े करते हुए आरक्षण को ले देश का अभिशाप बता दिया। बलराम सिंह नेगी ने कहा कि विधानसभा, नगर निकाय और पंचायत चुनाव में आरक्षण नहीं होना चाहिए। महिला आरक्षण या जातिगत आरक्षण से ऐसे लोग आ जाते हैं जो अनक्वालिफाइड होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता। इन जगहों पर आरक्षित नहीं वरिष्ठ और समझदार लोगों को होना चाहिए, जिससे देश का समृद्ध विकास हो पाए। आम आदमी पार्टी आरक्षण विरोधी विवादित बयान से आरक्षित वर्ग में भारी आक्रोश है। वार्ड नंबर 37 के पार्षद सुखपाल शाह के नेतृत्व में आरक्षित वर्ग और महिला मंगल दल में झंडी चौड़ में एकत्र होकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ में प्रदर्शन करके नारेबाजी करते हुए अरविंद केजरीवाल और बलराम सिंह नेगी का पुतला दहन करके अपना आक्रोश व्यक्त किया है। पार्टी के जो यहां पर प्रभारी बनाए गए हैं श्री बलराम सिंह नेगी जी, उनके द्वारा जो सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने जो सुना है कि उन्होंने एक तो आरक्षण विरोधी जो यहाँ पर उन्होंने एक ज्ञापन अपने तरफ से एक चैनल को दिया है और जो उन्होंने महिला शक्ति के लिए कि उन्होंने कहा कि जो है कि महिला हो चाहे जो है आरक्षण वर्ग में जो
पंचायत में हो, चाहे नगर निगम में हो, नगर इकाई में, चाहे विधायक में है, जो भी लोग आरक्षित जाते हैं वो बिल्कुल निकम्मे हैं। बिल्कुल ये सीधा सीधा जो है लोकतंत्र पे ये बहुत बड़ा जो है लोकतंत्र का अपमान श्री बलराम सिंह नेगी ने जो आम आदमी के पार्टी के जो यहाँ पे हैं उन्होंने किया है। खबर काशीपुर से, जहां डबल मर्डर का पुलिस ने खुलासा किया, लड़की के पिता नहीं उतारा था मौत के घाट। हत्या में शामिल दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद किया गया। 3 दिन पहले मोहल्ला अली खान के पास की गई हत्या, SSP राजेश भट्ट के नेतृत्व में हुआ बड़ा खुलासा। तो रात 8:30 से 9 बजे के बीच में अली खान मोहल्ले में 2 मर्डर हुए, जिसमें एक नव दंपति को गोलियों से मार दिया गया था। इस पर मुकदमा कायम करके हमने अपनी टीम को तफ्तीश में लगाया। इसमें जो इनिशियल पूछताछ आई उसमें ये आया सामने कि जो लड़की है, लड़की के पिताजी और उसके भाई ने इनकी हत्या की है। दोनों मौके से फरार थे, इनके घर वाले सभी फरार थे। हमने जो अपने सोर्सेज हैं उनके थ्रू जानकारी प्राप्त की और इनके जो रिश्तेदार हैं उनके घरों में दबिशें दी। देखिए 7 तारीख रुड़की में कोरोना का कोहराम। रुड़की में कोरोना के 89 नए मामले सामने आ चुके हैं। आपको बता दें रुड़की क्षेत्र में 81 और भगवानपुर में 8 नए मामले, 89 नए कोरोना के मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप का माहौल। बढ़ते मामलों को देखकर रुड़की प्रशासन पर तमाम सवाल उठे।